Hello students, welcome to Abhipedia. In this video, we will discuss historical importance of Balakot. जैसे आपको पता है, on 26th of Feb 1947, Indian Air Force conducted a airstrike at बालाकोट इन पाकिस्तान. ओके, तो ये बालाकोट जो है, ये तो बच्चे बच्चे को इंडिया में आज की डेट में इस प्लेस के बारे में उसने सुन लिया है, बट हम इस वीडियो में हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे बालाकोट की. ओके, और इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमें एक मूवमेंट को समझना होगा. इस मूवमेंट का नाम है वहाबी मूवमेंट. ओके, स्टार्ट करते हैं. यस, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं वहाबी मूवमेंट. वहाबी मूवमेंट सऊदी अरेबिया में, जिसको जब ये स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, तो सऊदी अरेबिया में एक प्लेस है, इसका नाम था नजद, इसको बोलते हैं, एंड ये है सेंट्रल अरेबिया. यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम था अब्दुल वहाब, एंड कभी कभी नेम हम बोलते हैं अब्दुल वहाब. ओके, बट जो ओरिजिनल नेम है वो है अब्दुल वहाब. अब्दुल वहाब इस मूवमेंट को स्टार्ट करता है, जिसका नाम है वहाबी मूवमेंट. और इसी मूवमेंट से जो आइडियोलॉजी है, आपने सुना होगा वहाबिज्म, सलाफिज्म, तो ये आइडियोलॉजी सेम है. तो ये जो अब्दुल वहाब है, ये स्टार्ट करता है वहाबी मूवमेंट. क्लियर? इस मूवमेंट में प्योरिटी ऑफ इस्लाम पर फोकस किया गया. तो ये मूवमेंट स्टार्ट होता है सऊदी अरेबिया. क्लियर? अब इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में एक बंदे हैं जिनका नाम था वली उल्लाह. ये दिल्ली के रहने वाले हैं, आपको याद रखना है दिल्ली. वली उल्लाह इस मूवमेंट को इंडिया में पॉपुलराइज करते हैं, बट इन्होंने भी इस्लाम की प्योरिटी पर फोकस किया. इसको कोई पॉलिटिकल कलर वगैरह नहीं दिया गया अभी तक इंडिया में. तो ये आपका केवल रिलीजियस मूवमेंट था, आप कह सकते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. वली उल्लाह के दो डिसाइपल्स हैं, इनके नेम आपको याद रखने हैं. फर्स्ट अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज, एंड सेकंड सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी. ओके, ये दोनों डिसाइपल्स इस वहाबी मूवमेंट को पॉलिटिकल कलर देते हैं. इन्होंने डिक्लेयर किया इंडिया को ये बोलते हैं, इंडिया है दारुल हर्ब. दारुल हर्ब का मीनिंग होता है लैंड ऑफ काफिर्स. यस, तो ये बोलते हैं इंडिया है दारुल हर्ब. मैंने आपको बताया, इसका मतलब है लैंड ऑफ काफिर्स. और ये इनका फोकस था कि इंडिया को चेंज करना है, हमें भारत को चेंज करना है दारुल इस्लाम में. ओके, तो ये बात करते हैं. इसमें भी दो लीडर हैं, इसमें आपको याद रखना है सैयद अहमद बरेलवी. ये इनका जन्म हुआ था रायबरेली, उत्तर प्रदेश में, तो वहां से इनको ये मिला है नाम बरेलवी, रायबरेली. अब सैयद अहमद बरेलवी टूर कर रहे हैं इंडिया का, ये हज पर भी जाते हैं. उसके बाद इनका जो फोकस था वो था पंजाब, और पंजाब की जो पास वाला एरिया है, जैसे आपको पता भी है, जो पास वाला एरिया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इनको लग रहा था कि वहां से इनको पश्तून मिलेंगे और ये वहां पर एक आर्मी बनाएंगे. इनको वहां पर सपोर्ट भी मिला और इन्होंने वहां पर एक छोटी सी आर्मी बनाते हैं. ठीक है, इस टाइम पर इंडिया में रूल कर रहे हैं, आप कह सकते हैं पंजाब में रूल कर रहे हैं, इंडिया नहीं पंजाब, पंजाब में रूल कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह. ओके, अब अगर पंजाब को अपने कंट्रोल में करना है, कश्मीर वाला इलाका अपने कंट्रोल में करना है, तो खालसा आर्मी से लड़ना होगा. देन उसके लिए, जैसे आपने भी डिस्कस भी किया, एक आर्मी बनाई गई और अब इन्होंने अपना एक बेस बनाया और ये बेस था बालाकोट. ओके, तो आपको याद रखना ये अब इन्होंने ये बेस बनाया बालाकोट, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक की थी. ओके, बालाकोट कहां पर है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. बालाकोट पाकिस्तान में इस टाइम पर, और ये है मानसेहरा मानसेरा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का और उसका प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा। यस, तो इस एरिया में ये जो मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में और खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट है। तो यहाँ पर बेस बनाया गया। अब टारगेट क्या है? कश्मीर वाला पहला जो इलाका है उसको अपने कंट्रोल में करना है, उसके बाद जो पंजाब है पूरा पंजाब कंट्रोल में करना है। देन अब खालसा आर्मी से इनकी छोटी छोटी कुछ स्क्रमिश होती हैं, उसके बाद एक फेमस बैटल होती है, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ बालाकोट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ बालाकोट एंड ये बैटल होती है 1831, बैटल ऑफ बालाकोट। एंड इस बैटल में खालसा आर्मी, ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा था वहाबियों का और अहमद राय बरेलवी को हराती है खालसा आर्मी। हराने के बाद अहमद राय बरेलवी का आपका जो है बिहेड कर दिया गया उनको, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए कुछ वहाबी थे वो अलग अलग एरियाज में चले जाते हैं। बाद में उन्होंने अपना सेंटर बना लिया पटना। तो ये था इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। आप कह सकते हैं कि जो वहाबी थे जिहाद बोल रहे थे कि हमें जिहाद करना है इस एरिया में, और जिहाद करने के बाद हमें पंजाब को कंट्रोल करना है। और उसके बाद ये बैटल ऑफ बालाकोट हुई 1831 में, जिसमें खालसा आर्मी को लीड किया था शेर सिंह ने। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये बात, ये पूरा मूवमेंट जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसको पता है, ठीक है, कि भाई यहाँ से मेन बेस था, यहाँ से एक लड़ाई हुई है, तो ये उसको पता है। देन आप देखेंगे उसने जो ट्रेनिंग कैंप बनाया वो भी बालाकोट में बनाया है, ठीक है। और जैश ए मोहम्मद का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है आर्मी ऑफ मोहम्मद। यहाँ पे हमने एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक के बाद आपने देखा कि इंडिया में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें ये डिस्कस करना है कि हमें क्या अचीव हुआ, कितने बंदे मरे, कितने टेररिस्ट को मारा गया, हमें उसमें नहीं जाना है। ओके, अचीव क्या हुआ? अचीव जो हमें हुआ है उसके लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। पाकिस्तान का एक मिलिट्री जनरल है जिसका नाम था जिया उल हक। इस जिया उल हक ने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी, उसका नाम था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ठीक है। अब ब्लीड कैसे करेंगे? फेस टू फेस तो वॉर नहीं कर सकते। देन अब ये ब्लीड करेंगे, आपकी कोवर्ट वॉर करेंगे, इंसर्जेंसी को यहाँ पर बढ़ाएंगे। और हमने देखा, आपको भी पता है, पंजाब में इंसर्जेंसी को बढ़ाया गया, कश्मीर में बढ़ाया गया, बॉम्बे में ट्रेन ब्लास्ट होते हैं, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद बॉम्बे पर अटैक हुआ, ठीक है। तो हम ब्लीड करते रहेंगे, 1000 कट्स इंडिया को देंगे, उतना ब्लीड करेंगे कि इंडिया को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन थी जिया उल हक की, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। क्लियर? अब हमारे ऊपर अटैक होते रहे बार बार। बॉम्बे का भी अटैक हुआ, उससे पहले पार्लियामेंट का अटैक हुआ। पार्लियामेंट के अटैक के टाइम पे हमने अपनी आर्मी को कुछ मोबिलाइज किया था, बट एक्शन नहीं हो पाया। एयर स्ट्राइक से हमने जो अचीव किया वो आप समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, हमने बता दिया पाकिस्तान को कि अब इंडियन एयरफोर्स या इंडियन फोर्सेस LOC को भी क्रॉस कर सकती हैं। ओके, अगर आपने इनके अगेंस्ट, जो भी ये टेररिस्ट हैं इनके अगेंस्ट आपने कुछ नहीं किया, देन इंडियन फोर्सेस अब LOC को क्रॉस करेंगी। सेकंड, पाकिस्तान का ये मानना है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। देन वो उसको ये लगता है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, देन ये टेररिज्म को बढ़ाता रहेगा। एक तरफ न्यूक्लियर बॉम्ब, दूसरे हाथ में उसके जो है टेररिस्ट, तो इनको आपका टेररिस्टों को भेजता रहेगा। और इंडिया, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है उसको भी हमने साइड में कर दिया। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो ये था कि हमने पाकिस्तान की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी। अगर वो ये टेररिज्म को सपोर्ट अभी भी करेगा तो हमने उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया। देखिए, ट्रूप्स को मोबिलाइज करना, एयरफोर्स को जो है फॉरवर्ड बेसिस पर लाना, ये बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, ठीक है, पैसा खर्च होता है इसमें। तो पाकिस्तान की कॉस्ट को हमने बढ़ाया कि यस, आप जो है अपनी कॉस्ट को बढ़ाइए अगर आप नहीं मानेंगे और टेररिज्म को इंडिया में अभी भी आप जो है बढ़ावा देंगे, ठीक है। इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हम इसको जो हमारी कॉस्ट आ रही है, हमारे भी आ रही है, बट हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा, हमने बहुत चीज़ों को अचीव किया है। बट इंडिया में जो डिस्कशन हुआ, जो आप देखेंगे जो पॉलिटिक्स हुई, वो इसको कुछ गलत डायरेक्शन में ले जाती है। ठीक है, तो ये था इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। इसको आप अच्छे से और थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, इसके बारे में रीड कर सकते हैं। और ये आपका जो है जो इंटरव्यू अभी आपका होने वाला है पंजाब में, पीसीएस के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।